और अब हम बात करेंगे इट शुड हैव क्लीन वाटर सप्लाई, यानी कि हमारे घर में किस तरह के पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। डर्ट और पोल्यूटेड वाटर काउज मैनी डिजीजेस एंड इन्फेक्शन, गंदा और असुरक्षित पानी बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ हाउस टू हैव द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर का जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए, और अपने डेली ज़रूरत की चीज़ों में भी हमें साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और साफ़ पानी पीना चाहिए। It should also have a proper drainage system for the proper disposal of a dirty water. और यह भी ज़रूरी है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए एक proper drainage भी होना चाहिए, एक proper disposal भी होना चाहिए, ताकि हमारे घर से हमारे गंदा पानी निकलने का एक रास्ता होना चाहिए, ताकि जो भी गंदे पानी हम अगर यूज़ करके जो भी पानी बाहर भेज रहे हैं उसके लिए एक ड्रेनिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रेनेज का मैंने क्या मैंने लिखा है, मीन्स जल निकास, यानी कि गंदा पानी निकलने का कोई ना कोई ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। थ्रू आउट द डे अ लॉट ऑफ डर्टी वाटर गेट डिस्पोज ऑफ थ्रू द किचन एंड बाथरूम पाइप्स। हमारे दिन भर के काम के दौरान जितने भी गंदे पानी होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे किचन से और हमारे बाथरूम के पाइप्स के जरिए। ए गुड ड्रेनेज सिस्टम हेल्प डिस्पोज ऑफ द डर्टी वाटर प्रॉपरली। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, मदद करता है साफ पानी को निकालने में, गंदे पानी को निकालने में। ए पुअर ड्रेनेज सिस्टम लीड टू द ब्लॉकिंग पाइप्स एंड ड्रेन्स दैट काउज द स्प्रेड ऑफ बैड स्मेल एंड जर्म्स। अगर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा नाला नहीं बना होगा तो क्या होगा, पाइप में रुकावट आ जाएगी जिससे कि बहुत ही गंदा स्मेल आएगा और उससे क्या फैलेगी, जर्म्स फैलेगा, बहुत सारे बीमारियां होने के चांसेस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इट मस्ट आल्सो हैव अ क्लीन सराउंडिंग, और हमारे आसपास का इलाका भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। नो मैटर हाउ क्लीन अ हाउस इज़ फ्रॉम इनसाइड, ये मैटर नहीं करता है कि आपके घर के अंदर आप कितने साफ सुथरे रहते हो, ठीक है। गार्बेज एंड डर्ट इन द सराउंडिंग एरियाज इट काउज द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। अगर आपके घर के बाहर आपके आसपास अगर गंदा है तो इससे भी बीमारियां होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए हमें घर के